आनंदित हो जाए। मैं प्रभु का बहुत आज का दिन प्रभु के दास के लिए, प्रभु के दास हमारे भगवान मीन और उसके पूरे कलीसिया के साथ में इस भवन को जिन्होंने प्रभु की महिमा के लिए बनाया, जिसमें परमेश्वर ने कहा यदि यहोवा घर को न बनाए तो उसको बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। परमेश्वर ने सहायता किया और ये भवन को उन्होंने परिश्रम करने में सहायता किया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं एक पद पढ़ना चाहता हूँ और यह भजन संहिता 118:23 से लेकर और उसके 26 पद तक। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। प्रभु इस वचन के लिए जो प्रभु ने आज हमें दिया इस भवन को खोलने के लिए, तो आइए हम इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हल्लेलुया, धन्यवाद देते हैं पिता तेरे दास हमारे भगवान मेन उनके परिवार और कलीसिया रूपी परिवार के साथ तेरी सहायता से ये भवन जो तेरे लोगों के लिए तैयार किया है हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस घर के द्वारा, इस घर से बहुत लोगों को आशीर्वाद मिलने पाए, हालेलुया। वो भी इस घर में आते हैं तेरे दास के घर में आशीषित होकर के जाने पाए। तेरे दास को आशीष दे, कलीसिया के लोगों को आशीष दे, सामर्थ दे, ताकि प्रभु इस घर में रहकर जो सेवा की जाती है बहुतों के लिए आशीष का कारण होने पाए। और प्रभु आज इस घर का तेरे पवित्र यीशु नाम से हम आशीष देते हुए प्रभु हम इसको तेरे नाम से आज हम खोलते हैं, उद्घाटन करते हैं। प्रभु जितने भी लोग इस घर के अंदर प्रवेश करते हैं, आते हैं, तेरे दास के द्वारा आशीष को पाने करवा देते हैं पिता, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। प्यारे प्रभु इस घर को तूने दिया, तू ही ने बनाया और तू आशीष देने जा रहा है प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज इस घर को तेरे पवित्र नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जो यीशु का नाम है उस पवित्र नाम से हम घोषणा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ये पूरा कलीसिया रूपी घर आशीषित होने पाए। तेरे दास को, तेरे दासी को, सबों को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से पिता मानते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग इस पिता को, प्रभु के दास होने के नाते मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं काटते हुए आशीर्वाद देते हुए, I'm not afraid of the dark.
Thank you.
बताया पुराने इंडिया में जब तू घर बनाए तो ऊपर में क्या बनाना, बाउंड्री बनाना, ताकि कोई परदेशी आए और नहीं झुक कर गिर ना जाए। आज हम इस परिवार को, इस घर को, इस घर के बाउंड्री को, जो इनका जीवन है, एक बाउंड्री के रूप में जो कोई भी आते हैं, इनके जीवन समाचार और चरित्र की दीवार को देखकर कोई गिरने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई जगह में जल लेते हैं और क्या करते हैं, छिड़कते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या है, जल है। आइए हम परमेश्वर के वचन के जल को, जो पवित्र जल है, उसको हम धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ हम लोग छिड़कने पाएंगे। सब अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम घर के बारे में प्रभु जी गिरजा घर में भी सुना और इस नए घर में धन्यवाद करते हुए तेरे दास गुरुवा मिंज, उनके परिवार और कलीसिया रूपी परिवार आज इस घर में प्रवेश किए हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है इस घर के अंदर में हम धन्यवाद के साथ हमने प्रवेश किया है और आशीष को मांगा है। प्रभु जी इस घर के चारों तरफ, इसके बाउंड्री के चारों तरफ तेरे पवित्र लहू को, तेरे पवित्र वचन को, तेरे पवित्र सामर्थ को हम यीशु मसीह के नाम में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हम छिड़क देते यीशु नासरी के नाम में। कोई भी अंधकार की शक्तियाँ दूर हो जाए, काम करने ना पाए, तेरे नाम की महिमा के लिए ये जग और आत्मा के आशीष और लहू के द्वारा, छिड़काव के द्वारा ये परिवार, ये कलीसिया, ये नगर आशीषित किए जाए। घर को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पूरे जमायत कलीसिया के तरफ से, अभी हमने पढ़ा प्रभु, हम यहोवा के नाम से आशीर्वाद देते हैं। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, पिता हम उसको आशीष देते हैं। सारा आदर और महिमा तुझी को देते हुए पिता, हम सारे आशीषों को यीशु प्रभु के नाम में हम मांगते हैं। पिता सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन।